नमस्कार, मैं विक्रम राठौर और आप देख रहे हैं अपना चैनल हिंदी खबर। आज हमसे एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए बैठी है जिनके पास प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति का तजुर्बा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह जी। सर, हिंदी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर जिस तरीके से आपकी अगर बात की है, जिस तरीके से आपकी एक प्रतिभा है, जिस तरीके से आपने प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति की है, तीन बार आप पार्लियामेंट में भी बैठ चुके हैं और इस समय आप मंत्री हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपसे पूछने के लिए। मगर शुरुआत यहाँ से करते हैं कि राजनीतिक करियर आपका किस तरीके से रहा। अगर राजनीति की अगर आपकी बात की जाए, किस तरीके से अपने राजनीतिक करियर को देखते हैं, उतार चढ़ाव जो आपका है। जी, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं तो छात्र राजनीति से जिला पंचायत से लेकर के आज लोगों के आशीर्वाद से आज मुझे पार्लियामेंट में भी कई बार जाने का मौका मिला, आज सरकार में भी रहने का मौका है। तो हर व्यक्ति के जीवन में राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आदमी अगर ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कार्य को करे तो जहाँ भी रहेगा निश्चित रूप से अपने मुकाम पे पहुँचेगा, अपने मकसद में कामयाब होगा। और मैं अपने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी मैं जो मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दिया मैं ईमानदारी से पूरा किया, अपने नेतृत्व के प्रति निष्ठा से काम किया। और उसी नाते आज मुझे आज उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनने का मौका भी मिल पाया है। आज आप मंत्री हैं, सांसद भी आप रह चुके, क्या ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता था आपको कि जब पार्लियामेंट में बैठते थे और आज विधानसभा में एज ए मंत्री बैठते हैं, क्या ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? देखिए, व्यक्ति संसद में हो या सरकार में हो, मैं इसको कभी चुनौती के रूप में नहीं बहुत से सेवा के रूप में देखता था। मैं पार्लियामेंट में था तभी कभी मैंने चुनौती नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में देखा। आज मंत्री हूँ, हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में मैं मंत्री हूँ, तो आज मैं चुनौती नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में मैं सेवा के रूप में देखता हूँ और जनता की सेवा में बराबर मैं लगा रहता हूँ। मैं कभी इसे चुनौती नहीं मानता। सरकार को एक साल पूरे हो गए, अगर सरकार की बात करते हैं, मंत्री हैं, सरकार की बात करते हैं, एक साल सरकार को पूरे हो चुके हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, आप एक ऐसे मंत्री हैं जिनके पास लगातार जनता का अट्रैक्शन होता है, सातों दिन आपके पास जनता दरबार लगा होता है, सातों दिन जनता आपसे अट्रैक्ट होती है, किस तरीके का फीडबैक आपको अपनी एक साल की सरकार का मिल रहा है? देखिए, एक साल की सरकार में मैं तो कह सकता हूँ जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया, चूँकि इस प्रदेश में सबसे बड़ा जो समुदाय है एक किसान है, देश के प्रधानमंत्री से देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उनके जीवन में परिवर्तन आए इसके लिए प्रधानमंत्री सरकार भारत सरकार में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री के बनने के बाद लगातार वो काम करते आ रहे हैं। और जब असेंबली का चुनाव था तब भी प्रधानमंत्री जी सारे प्रदेश में उन्होंने दौरा किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि अब तक की सरकारों ने जिस किसान की बुनियाद पे, किसान के नाम पे घड़ियालू आंसू बहा करके लोग सत्ता के शिखर पे पहुंचते थे, मुख्यमंत्री सरकार बनाते थे, लेकिन अब तक किसी ने किसानों के बारे में पूछा नहीं पुरसहाल दूर का था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला जो हमारे फैसला होगा हमारे कैबिनेट का वो किसान के हित में होगा। और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि सरकार बनने के बाद जो पहला कैबिनेट में पहले कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनने वाली कैबिनेट जो थी बैठने वाली, जिसका मैं गवाह था, सबसे पहले इस प्रदेश के किसानों को उन्होंने कर्जा माफ़ किया, तो किसानों के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने सरकार बनने के बाद एक तो क्राइम और करप्शन पे पूरी पारदर्शिता के साथ कि क्राइम और करप्शन से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश में एक करप्शन के खिलाफ एक माहौल बनाया, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आपको पता है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ और लगन के साथ
क्राइम और करप्शन को समाप्त करके इस प्रदेश को एक अच्छा माहौल देने का उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि साल भर में जो भरोसा बढ़ा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, जिस तरीके से हमने धान के खरीद में रिकॉर्ड कायम किया, हमने गेहूं के खरीद में पूरी पारदर्शिता से एक रिकॉर्ड कायम किया, अब तक के सरकारों को कई गुना, एक दो गुना नहीं, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा खरीद करके हमने किसानों को राहत दिया है और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों के आय को दोगुना करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम योजना बनाई, आज हमारी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठने वाली कैबिनेट ने इस प्रदेश के किसानों के आय को दोगुना करने के लिए लघु सीमांत के लिए 90%, सीमांत किसान के लिए 80% की छूट देकर के उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया है। और आज बड़े पैमाने पर जो किसान है, जो साग सब्जी आलू के माध्यम से आज अपने आय को दोगुना कर रहा है, और पहली बार इस सरकार के, हमारे सरकार में आपने देखा होगा, पहले की सरकार में जिस तरह के आलू के सवाल को लेकर के लोगों का आंदोलन होता था, पहली बार हमारी सरकार ने उनको उचित मुआवजा दिया, उनको उचित मूल्य दिया। आज पूरे प्रदेश में आलू को लेकर किसान, किसी भी, कोई भी किसान आज आंदोलन का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहा है। आप भी विभाग की अगर बात करें, वन और पर्यावरण, वन विभाग में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए, उत्तराखंड जब से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तो एक बहुत बड़ा एरिया जो वन का एरिया जो कहा जाता है वो उत्तराखंड में चला गया, तो बहुत कम फॉरेस्ट एरिया उत्तर प्रदेश में बचा है। किस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का एक बहुत इफेक्ट पड़ जाता है वन की कमी की वजह से, तो इस पर किस तरीके से भी आप काम कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री ने हर विभाग का प्रेजेंटेशन लिया तो हमारे विभाग का भी प्रेजेंटेशन उसमें हुआ, और उत्तरांचल के निकल जाने के बाद जो फॉरेस्ट कवर हमारा था वो कम था, 7 के करीब था, उसको हमने 5 साल में 15% करने का जो लक्ष्य रखा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा, अभी साल भर ही सरकार हुई, 7 से 9 पॉइंट समथिंग हमारा जो फॉरेस्ट कवर 2 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, इस फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है और उसे बचाना भी है। सरकार बनने के बाद पहले हमने जब अधिकारियों की बैठक लिया था, हमने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को बुला के कहा था कि इसके पहले जो राजनीतिक संरक्षण में जो वनों का कटान होता था, जो पूरी तरीके से पर्यावरण को नष्ट कर रहा था, हमने कहा कि एक भी पेड़ पूरे प्रदेश में कटने नहीं चाहिए। और आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में आज कटान, जो अवैध कटान होता था राजनीतिक संरक्षण में, पूरी तरीके से हमने रोकने का काम किया है। और प्लांटेशन को, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने, पिछले 7 तारीख को इलाहाबाद में गंगा हरित महाअभियान की उन्होंने शुरुआत किया कि बिजनौर से लेकर बलिया तक जो 1000 किलोमीटर से लंबी दूरी तय करती हैं उत्तर प्रदेश में गंगा जी, उस गंगा को हरा भरा रखने के लिए, अविरल और निर्मल बनाए रखने के लिए दोनों तरफ 1 किलोमीटर में 27 जो हमारे जनपद से गंगा के किनारे आते हैं उसको हरा भरा करने का उन्होंने घोषणा किया। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री का भी इस प्रदेश के पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित रखा जाए, इस प्रदेश में जो चुनौती है प्रदूषण को लेकर के, पूरी तरीके से प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति के लिए उन्होंने पूरे 22 करोड़ जनता से एक उन्होंने अनुरोध किया कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरीके से हमको पेड़ को पालना है, पेड़ को बड़ा करना। जैसे आपने कहा कि अगर अवैध कटान होगा वृक्षों का, अवैध कटान होगा हमारे फॉरेस्ट का, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रभाव, कुप्रभाव पड़ेगा हमारे प्रदेश के पर्यावरण पर। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की जनता से अपील किया कि वन मैन वन ट्री,
एक व्यक्ति एक वृक्ष, और उसका असर होने लगा है कि जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, तो क्या आप सभी जानते हैं यह केवल सरकारी अमले के द्वारा ही हम इस प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को संतुलन को बनाए नहीं रह सकते हैं जब तक आम जनता को हम जागरूक नहीं कर पाए। हाँ, एक इसको जन आंदोलन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 7 तारीख को इलाहाबाद में इसकी घोषणा किया और पूरे प्रदेश की जनता से अपील किया। कल इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, देश की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जी, जहां दुनिया के तमाम मुल्क जो है इस बार जो बीट पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आए थे, आज इंडिया उसका होस्ट कर रहा था। आज उसी अवसर पे कल जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपील किया है पूरी तरीके से इस नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, पूरी तरीके से पॉलीथीन को हम नदियों से दूर करेंगे, मुक्त करेंगे, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है। और हमारी सरकार पूरी तरीके से, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग मिलकर के इस प्रदेश के प्रदूषण से मुक्ति के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री का जो अपील था पूरे 22 करोड़ जनता के, आज उसका असर दिखने लगा है कि लोग अपने स्वेच्छा से आकर के पेड़ लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमने लक्ष्य बनाया है कि 15% फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, अभी तो सवा साल हमारा हुआ है, निश्चित रूप से 22 तक जो है उस लक्ष्य तक तो हम पहुँचेंगे ही, उसे बढ़ाने का भी हमारा प्रयास है। अवैध कटान की जिस तरीके से आपने बात की, पिछली सरकारों में एक बड़ा इशू रहता था, एक बड़ा पूरा नेक्सस वर्क करता था अवैध कटानों को लेकर। इस सरकार में किस तरीके से इस पर आप कड़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से अवैध कटान के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, उस सरकार में पहले का राजनीतिक संरक्षण में एक काम करवाया जाता था, लेकिन हमारे सरकार में राजनीतिक संरक्षण में नहीं, लोग कुछ लोगों के लिए काम करते थे। आज हमारे प्रदेश की जनता आम जनता के हित के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है। और सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, इस प्रदेश में चाहे भूमाफिया होंगे चाहे वन भूमाफिया होंगे, पूरी तरीके से उन पर अंकुश लगाया जाएगा। और ऐसे अवैध कटान करने वाले लोग अगर पकड़े जाते हैं तो ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने पेड़ों पे कटान पे तो हमने पूरी तरीके से रोक लगाई, और जिस तरीके से करीब 23,000 हेक्टेयर ज़मीन जो वन विभाग की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, राजनीतिक संरक्षण में जिनका कब्जा था, अभी तक हमने कम से कम जो है 2,500 हेक्टेयर जो है वन भू माफियाओं के शिकंजे सबने छुड़ा करके उसको भी हरा भरा बनाने का हमने फैसला लिया है। मतलब कटान भी रोकी जा रही है और जमीनें भी खाली कराई जा रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके से किसानों की, आप बात कर रहे थे कि किसानों की बात बताई कि किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, आप भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। ये आपकी नीति आई, वन नीति 2017 आई, उसमें आपने जिस तरीके से एक पेड़ लगा कि किसान अपने लिए पेड़ लगा सकता है, उसको अगर उसको जरूरत पड़ती है अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसको कटवा सकता है, इस पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या नीति है इस पर, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने जो पहला महत्वपूर्ण फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश राज्य बनी 2017, जिसमें तमाम ऐसे किसान थे जो अपने खेतों में मेड़ों पे अपने ज़मीन पे जो पेड़ लगाते थे, और जो किसान पेड़ लगाता उससे आय का साधन उसका होता है, लेकिन जब कटाने का समय आता था अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे की शादी के लिए, तो पता चलता था को इतना अधिकारियों का चक्कर लगाता था नीचे से लेकर ऊपर तक कि वो एक तरीके से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में फंस जाता था। और हमारी सरकार ने इस गंभीरता को समझा, इसलिए हमारी सरकार ने कहा कि जो किसान अपना पेड़ लगाया है उसे कुछ प्रजातियों को छोड़ करके उसे काटने का पूरा उसे अधिकार दिया जाएगा, उसको परमिट दे दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है एक किसान के हित के लिए,
क्योंकि पेड़ वो नहीं लगाता था इस नाते, जब उसे काटने का अधिकार नहीं मिलेगा फिर लगाएगा क्यों? जब वो पेड़ काटने का अधिकार उनको मिल गया, और कोई भी किसान, हर किसान समझदार है, जब पेड़ काटने लायक हो जाता है, कोई कच्चा पेड़ नहीं काटता है, जब परिपक्व हो जाता है पेड़, उसके काम और आम लोगों के काम में आने लगता है, तब काटने की बात करता है। उसमें भी परेशानी होती थी। जब से हमारी सरकार ने फैसला लिया, कैबिनेट में हमारी फैसला हुआ कि वह किसान जो पेड़ लगाया है उसका मालिकाना है, अब उसे किसी के पीछे, किसी अधिकारी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उसको कहीं भ्रष्टाचार का शिकार नहीं बना पड़ेगा, किसी बिचौलिए का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद पेड़ का मालिक बनेगा, पेड़ काट सकता है। जब से हमने नीत लाई उत्तर प्रदेश में, तब से प्रदेश के किसानों का हौसला बढ़ा और बड़ी तेजी से उनको लगने लगा है कि अब योगी जी की सरकार में पेड़ लगाने के बाद जब बड़ा हो जाएगा तो काटने का हमें अधिकार मिलेगा, तब अपने बच्चों की पढ़ाई और बेटी की सगाई में हम काम आ सकते हैं। इको टूरिज्म को लेकर भी बहुत काम हो रहा है इस समय। सरकार इको टूरिज्म को भी को बहुत बढ़ावा दे रही, टूरिज्म को बढ़ावा दे रही, साथ ही साथ आप जिस तरीके से इको टूरिज्म की जो एक पूरी बात आती है, इको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरीके की योजनाएं चल रही है इसमें, किस तरीके से आगे काम हो रहा है, इको टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा सूबा है। मैं तो बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री को कि दुनिया के किसी मंच पर जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में टूरिज्म, इको टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है, लेकिन अब तक की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं दूसरे मुल्कों में भी, तो उत्तर प्रदेश के टूरिज्म, इको टूरिज्म के लिए आमंत्रित करते हैं, और मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर के टूरिज्म, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, और उन्हीं के सानिध्य में हमने जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारा फॉरेस्ट कॉरपोरेशन मिलकर के एक एमओयू किया है इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। और जब से हम अपने विभाग में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, चाहे हम कतरनिया घाट हो, चाहे दुधवा में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल हुआ था, तो जितने भी हमारे जो पक्षी प्रेमी थे, बर्ड लवर थे, तमाम दुनिया के 10 मुल्कों के लोग वहाँ आए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गए थे दुधवा, जो उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है। और उनके जाने के बाद बड़े पैमाने पर जो है, आज दुधवा है, किशनपुर है, चूका है, पीलीभीत हमारा जो टाइगर रिजर्व है, कतरनिया हमारा जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पर, अभी पीठम में जो सूरदास की नगरी है, वो बड़े पैमाने पे टूरिज्म हमारे आ रहा। मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकार की तुलना में हमने 7 गुना से ज़्यादा टूरिज्म को जो है यहाँ आमंत्रित किया, लोग आए, और आज भी बड़ी तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में बहुत तेज़ी से इको टूरिज्म की तरफ जो है, हम उसको अभी हम सोहगी बरवा को, बखरा झील को, हम बड़े पैमाने पर उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के विनोद वन, अभी एक हम वहाँ पे जू बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हम इको टूरिज्म, टूरिज्म तो हमारा बढ़ ही रहा पूरे प्रदेश में, चाहे धार्मिक टूरिज्म चाहे जो भी हो, और इको टूरिज्म के लिए हमारे विभाग ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। सारे लोग मिल करके, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल करके इको टूरिज्म को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी कुकरेल में जब हम लोग किए थे, चूँकि देश का पहला शहर लखनऊ होगा, देश का पहला शहर लखनऊ है, जहाँ शहर के बीच में, देश के किसी कोने में जाएंगे तो शहर के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर फॉरेस्ट मिलेगा, लेकिन लखनऊ पहला शहर होगा जहाँ शहर के बीच में 5000 एकड़ से ज़्यादा का जंगल है। इसको हम इको टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और इसको मेरा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके हम कुछ अपने सरकार के सहयोग से और पीपीपी मोड में ले जा करके हमको एक ऐतिहासिक हम जो है हम इसको बनाना चाहते हैं, जिससे कि देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। ये जिस तरीके से आपकी जो राजनीतिक पूरा करियर है उसमें अगर इस तरीके की बात है, जैसे आप पार्लियामेंट में, जैसे भी आपने बताया आप बैठ चुके हैं, आप इस समय मंत्री हैं, आपने एक जैसे पार्टी जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, मगर जिस तरीके से ओबीसी महासभा के आप राष्ट्रीय महाध्यक्ष हैं,
किस तरीके की चुनौतियां आपको लगती हैं अभी जो जिस तरीके से एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है पूरे देश में आरक्षण को लेकर, किस तरीके से आप एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष उस आरक्षण या चीजों को देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और यह नारा कुल महज शब्दों का जोड़ नहीं, एक मंत्र है कि सबका साथ, कि आज़ादी के 70 सालों तक तमाम लोगों ने साथ दे करके लोगों की सरकार बनवाई, लोग हुक्मरान बन गए, लेकिन उसके बाद लोगों ने पलट के देखा नहीं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, आज पूरे देश में सच साबित हो रहा है कि जो गरीब लोग थे, जो सर वोट देने के बाद, जो सरकार बनाने के बाद जो उपेक्षा के शिकार होते थे, कोई पलट के देखता नहीं, कोई पूछता पहचानता नहीं था, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी ने उन गरीब को पूछने पहचानने का काम किया है। और इसीलिए हमारी सरकार ने ऐसे तमाम लोगों के लिए तमाम योजना बनाई, और हमारी सरकार ने किसी जात के बुनियाद पर नहीं, हमारी सरकार ने किसी धर्म और मजहब के बुनियाद पर नहीं, बल्कि जो गरीब था, बेबस था, लाचार था, जो प्रयाटी पिया सकता था, ऐसे लोगों के लिए आज बड़े पैमाने पे प्रधानमंत्री आवास जो बन रहा है। कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक इस देश में एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो अपने आवास के अभाव में अपमान का शिकार होता था, अब उसे सम्मान मिलेगा, सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। ऐसे आपने देखा होगा जो गैस चूल्हा दिया गया, जो कभी सपने में सोच नहीं सकते थे। मैं अपने जब पार्लियामेंट में हम लोग थे, पहले लोग सोचते थे अगर किसी को गैस का कनेक्शन और कूपन मिल जाता था तो उसका स्टैंडर्ड से लगता था, इलाके का अपने गांव का बड़ा आदमी कहा जाता था। आज उसी बड़े आदमी के लाइन में आज मोदी जी ने गरीब को गैस कनेक्शन दे के उनके लाइन में खड़ा कर दिया है। तो ये हमारी सरकार ने काम किया है। और ख़ास करके जो आपने आरक्षण की बात किया है, देखिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, चूँकि आपने जो सवाल किया इसमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, संविधान की धारा 340 में जो, चूँकि आपने आर्थिक आधार की बात कही, आपके मन में है कि किस आधार पे होना चाहिए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारा सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर होना चाहिए। बहुत जद्दोजहद के बाद, मंडल कमीशन लागू होने के बाद, इस देश में बड़ा तबका है जो उस आरक्षण से वंचित हो गया था। मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को मैं बधाई देता हूं कि देश की पहली सरकार है जिन्होंने इस देश में रहने वाले जो पिछड़े समाज में जो ज्यादा पिछड़ गए थे, जिन्हें अति पिछड़ा कहते हैं, जिनको आज तक किसी ने पूछा नहीं, पहचाना नहीं, उनकी सुधि नहीं ली, आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनने वाली कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, दिल्ली के रिटायर्ड जो जज हैं हाई कोर्ट की थी, उनके नेतृत्व में जो कमीशन बना है, हमें लगता है कुछ दिन के बाद वो कमीशन अपना रिपोर्ट जब दे देगा तो शायद इस सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा कि आज़ादी के 70 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पहली सरकार है जो देश के अति पिछड़ों के लिए अलग से उनको जो है सुविधा देने के लिए, उनको फायदा देने के लिए उन्होंने कानूनन उनको जो है हक अधिकार दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सारे काम किए और 2019 में भी चुनाव भी आने वाले हैं, अगर उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो जो विपक्ष है पूरा एकजुट हो रहा है, एक साथ पूरा महागठबंधन हो चुका है। अभी फूलपुर में चुनाव हुआ, कैराना में चुनाव हुआ, नूरपुर हुआ, सभी जगह पर कुछ चीजें गड़बड़ हुई जिनकी वजह से भाजपा को वहां नहीं जीत हासिल कर पाई। क्या लगता है इन नीतियों का असर जनता के बीच में मैसेज नहीं जा रहा है, किन कारणों की वजह से ये हुआ और 2019 में किस तरीके से फिर फाइट होगी? देखिए, आपने देखा कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की हमारी सरकार बनी, 2014 में भी मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश की 325 ऐतिहासिक जीत थी, हम सरकार बनाए। आज पूरे देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है 2019 का, पूरी तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों योजनाओं पर पूरा का पूरा भरोसा है। और जिस तरीके से हमारे देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ 80 देश की लोकसभा की सीटें हैं, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, जिस तरीके से योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है
और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तमाम ऐसी योजनाएं जिनके बारे में किसी को कल्पना नहीं था आम जनता को आम गरीबों के लिए चला रहे हैं, मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं 2019 में ये तमाम विरोधी दल को आप देखते होंगे तमाम एक मंच पे हो रहे हैं। इस डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। बड़े बड़े नेता किसी मंच पे खड़े हो जाएं वो लोकतंत्र के मजबूती का सबूत नहीं है। लोकतंत्र वह मजबूत होता है जिसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर लोग खड़े हो जाएं। आज मोदी जी के नेतृत्व में लोग बड़े बड़े नेता एक हो रहे हैं लेकिन प्रदेश की जनता जिनकी बुनियाद पर हमें 2019 का पार्लियामेंट लड़ना और जीतना है आज वह जनता मोदी जी के साथ तालमेल कर ली है। मोदी जी की नीतियों के नाते मोदी जी के नेतृत्व के नाते जो भरोसा दिया है उस भरोसे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश की जनता जो ऐसे बेबस लाचार उपेक्षित थे सारे लोग इसमें चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो गरीब हो अमीर है सारे लोगों ने भरोसा किया। आप चट्टी चौराहे पे देखते हो कि तमाम तालमेल के लोग कहते हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने आज तक कभी आराम नहीं किया जिन्होंने एक घंटे की छुट्टी नहीं ली हमेशा इस देश के स्वाभिमान सम्मान के लिए और पहला देश का प्रधानमंत्री पहले के प्रधानमंत्री जब दुनिया के मंचों पर जाते थे तो अपने सम्मान के लिए गौरवगाथा कहते थे लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो देश के दुनिया के मंचों पर जाने के बाद अपनी गौरव गाथा नहीं बल्कि कहते हमारा सम्मान नहीं बल्कि 125 करोड़ जनता का सम्मान है। आज वह 125 करोड़ जनता इस देश की अपने आप को गौरवान्वित हो रही है और इस नाते मैं कह रहा हूँ उसी गौरव के बुनियाद पर कह सकता हूँ कि सारी जनता मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में खड़ी होगी और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे। महागठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? कर्नाटक में जिस तरीके से सभी इकट्ठा हुए और अब भी जो अगर उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात की जाए तो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो अभी भी सभी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। किस तरीके से एकजुटता को आप देखते हैं और क्या लगता है महागठबंधन की क्या स्थिति है? देखिए जहां तक कर्नाटक आपने सवाल किया कि हमारी 40 सीटें थी 104 सीट जीतना ये मामूली चीज नहीं है। हम बहुमत से 6 सीटें 7 सीटें दूर रह गए। पूरे प्रदेश के आम जनमानस जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भरोसा किया मोदी जी के नेतृत्व भरोसा करके ठीक हम चूक गए वहाँ पर लेकिन अब जो हम जो चूके हैं हम उत्तर प्रदेश में यह चूक नहीं होने देंगे चाहे कितने भी दल के लोग एक साथ हो जाएं। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इस देश की जनता प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मोदी जी की नीत और नियत पे भरोसा है। जिस तरीके से अच्छे नियत के साथ हमारी सरकार ने देश की जनता क्योंकि मोदी जी का केवल सरकार चलाने का मकसद नहीं है देश को बदलने का उनका मकसद है उनका लक्ष्य है और देश को बदलने के लिए जो योजनाएं आम लोगों के लिए चला रहे हैं उससे प्रभावित होकर के मुझे पूरा भरोसा है कि 2019 में तमाम विरोधी दल एक नहीं अनेक दल एक मंच पर खड़े हो जाएं लेकिन जनता जो है मोदी जी के मंच पर खड़ा होकर के मोदी जी को 19 का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। आखिरी सवाल दारा सिंह एक चीज पूछना चाहता हूं तरीके से आपके पास वन एवं पर्यावरण विभाग है 4 साल भी हैं आपके पास 4 साल में किस तरीके से अपने विभाग को आप देखते हैं किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं क्या अभी आगे के आपके प्लान है विभाग को लेकर आपके? देखिए इस प्रदेश में मेरे पास वन भी है पर्यावरण भी है पूरी तरीके से। एक तो जो फॉरेस्ट कवर उत्तरांचल के बट जाने के बाद जो फॉरेस्ट कवर हमारा है उसको हम 15 से ज़्यादा ले जाने की हमारी सोच है और पूरे प्रदेश में हम अवैध कटान को पूरी तरीके से रोके हैं और आगे भी हम रोकेंगे और किसानों को प्रोत्साहित करके जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने अपील किया इस प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यक्ति एक वृक्ष उस रास्ते पे आगे बढ़ करके पूरे प्रदेश को हरा भरा करेंगे प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और पर्यावरण के क्षेत्र में हमने इस पूरे प्रदेश में तमाम जो उद्योगों को छोटे मोटे जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा देने के लिए हमने ऑनलाइन कर दिया है ऑनलाइन कंसेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनको हमने जब ऑनलाइन करने के बाद आज लोगों को
किसी बिचौलिए का सहारा नहीं लेना पड़ता है, और उसमें ऐसे लोग जो राजनीतिक संरक्षण में गलत काम करते थे, हम उसको भी बख्शने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए पूरी तरीके से हम प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए, प्रदूषण से मुक्ति के लिए और इस प्रदेश के आय को दोगुना करने के लिए हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जितना कुछ हो सकता है हम पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दारा सिंह जी हिंदी खबर से बात करने के लिए। तो ये थे वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान जी, जिनका साफ ही कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अभी काम कर रही है और जिस तरीके से आगे विकास के काम बढ़ाए जा रहे हैं, इसी तरीके से आगे चीजें बढ़ती रहेंगी। और रही जहां तक कि वन विभाग और पर्यावरण की बात, 4 साल में हम विभाग को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां पर जनता, जहां पर सरकार, जहां पर खुद मंत्री जी ये चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण बने, एक ऐसा पर्यावरण बने जिसमें कि सभी खुलकर सांस ले सकें।